हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अभी मैं जो है जा रही हूँ बाहर ग्रॉसरी के लिए, और थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे रमज़ान के लिए। और हो सकता है ये मेरी वीडियो जो है थोड़ी लेट अपलोड हो, क्योंकि वीडियो एडिट में भी थोड़ा सा टाइम रहता है। और आज जो डेट है वो 1 अप्रैल, और अभी जो है वो मैं कपड़े वगैरह जो है चेंज करती हूँ, कपड़े पहनते हैं और बस फिर तैयार होते हैं। और बस जो है वो अभी कपड़े वगैरह पहनती हूँ और चेंज करती हूँ। और ये शर्ट है और ये दुपट्टा आपको पहन कर मैं दिखाती हूँ। फाइनली देखती हूँ शूज़ वगैरह कहीं मुझे मिल गए। अभी शूज़ वगैरह भी नहीं मुझे मिल रहे, कोई तो पहन लेते हैं। कैसे लग रही हूँ बताएं? तो अभी जो है वो मैं तैयार श्यार हो गई हूँ फाइनली, एंड फाइनली तैयार श्यार अब हम लोग जाते हैं, निकलने लगे हैं। और क्या है कि जी अभी हम लोग जो है घर से निकल रहे थे, और शुक्र है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद में यही है कि कभी कभी ना ठंडी हवा जो है चलने लग जाती है, तो बहुत मज़े का मौसम हो पड़ा था। वैसे तो दिन को भी यहाँ बहुत गर्मी होती है, और बस मैं यही कहूँगी कि रमज़ान थोड़ा ठंडा और हो जाए ना तो रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरेगा, और आप लोगों के रमज़ान जो है अच्छा गुजरे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अपने लिए भी दुआ कीजिए, और सबका जो रमज़ान है वो अच्छा गुजरे। और फाइनली हम लोग पहुंच आए थे, हम लोगों ने सोचा कि पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब घर से निकले थे ना तो 8 थे, सोचा सेवर है पास, तो हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो मार्ट वगैरह जाएंगे, थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके थे, मौसम भी अच्छा था। अच्छा, सेवर वालों की अच्छी बात ये है कि इनका जो है वो खाना अच्छा होता है, मतलब कि चावल वगैरह इनके जो है ना अच्छा होते हैं, साफ माहौल होते हैं। जो न्यू बना है पिशावर रोड वाली साइड, इनका जो है वो निज़ाम काफ़ी साफ़ सुथरा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इनका निज़ाम काफ़ी अच्छा होता है, बंदा कंफर्टेबल होकर जो है वो खाना वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए जो है चावल मंगे, यहाँ होते ही चावल हैं तो अपने लिए का क्या मतलब है, तो सोचा मैं थोड़ा जो है आप लोगों के लिए क्लिप वगैरह बना दूँ। और ऐसी जगह पर वीडियो और पिक्स वगैरह बनाने का एक अपना ही मज़ा होता है, लेकिन एक ये बात है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमें, 1 से 1 घंटा से ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था बहुत ही। जी तो अभी जो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर हो रहे हैं, और इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रही। और अभी तक जो है वो स्पेशल 2, और अभी जो है वो सलाद वगैरह उन्होंने ऑर्डर की है, और बहुत ज़्यादा भी जो है वो टाइम लगेगा, और हम लोग आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा। फाइनली 1 घंटे बाद हमें हमारा खाना ऑर्डर हुआ, और इतना ज़्यादा रश था कि वो बार बार भूल जाते थे कि आपने क्या ऑर्डर कराया, सिंगल स्पेशल या क्या आप लोगों ने ऑर्डर कराया। बहुत ज़्यादा रश था, पहले इतना रश नहीं होता लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन खैर कोई नहीं। और बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमें, एक और भी था टेंशन थी कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, हम लोगों ने जो है ग्रॉसरी शॉपिंग की भी करनी, क्योंकि ग्रॉसरी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। उस दिन हमारा बहुत काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए मेरी वीडियो भी एडिट करना रह गई थी। और अब जो मैं फर्स्ट रोज़ा है, और मैं आज ही मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन खैर माजरत, क्योंकि वीडियो इसी तरह मजबूरन वेट जो है लेट हो जाती है मेरी, और मेरे से अक्सर ही होते हैं। खैर खाना वगैरह खा लिया था शुक्र है, और उस टाइम 9 हो रहे थे, क्योंकि मार्च जो है वो 11 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि रमज़ान की वजह से ना 12 बजे बंद हुआ था, मतलब नेक्स्ट डे रमज़ान था तो इसलिए रोज़ा था, इसी वे 12 बजे। उसके बाद हम लोग ने आइसक्रीम लिया, हम लोग का अब आइसक्रीम के लिए जो है हम लोग बैठते नहीं हैं, हम लोग जो है गाड़ी में ही फिनिश कर लेंगे, क्योंकि अब बैठ जाता है तो हम लोग ग्रॉसरी ना कर पाते, तो ग्रॉसरी के लिए जो रमज़ान की जो तैयारी वगैरह होती है उसकी भी प्रॉपर मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बनाती तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो और ज़्यादा लेट हो जाती। अब तो सब जो है वो बना रहे होंगे कि इफ्तारी रूटीन, सहरी रूटीन रूटीन की बना रहे होंगे, इसलिए जो मेन मेन जो सारी रमज़ान की जो तैयारी वगैरह थी वो सब कुछ मैंने सौदा वगैरह लिया, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि
टाइम जब हम लोग अब जब हम लोग जब स्टोर पहुंचे थे ना, उस टाइम 9:30 थे और सौदा लेते लेते हमारा 11 हो गए थे, और जब हम लोग घर पहुंचे थे तो 12 हो गए थे। और फिर उसके बाद जो है मैंने घर आकर सेटिंग वगैरह की सब कुछ, क्योंकि सौदा वगैरह भी अपनी अपनी जगह पर रखना पड़ता है। सौदा वगैरह तो ले ली है बहुत, अभी यही रमज़ान की मेरी जो है तैयारी वगैरह थी, यही रमज़ान के लिए हम लोगों ने सौदा लिया है बस। फाइनली सौदा वगैरह आ गया है, ओह अल्लाह क्या क्या जी। तो रमज़ान की जो है वो तैयारी वगैरह कर ली है। आज ज़ाहिर सी बात है रोज़ मेरी लेट ही वीडियो अपलोड होगी, बस ये सारा जो है सामान वगैरह ले लिया है मैंने अपनी अपनी जगह पे रखना है सारा कुछ। फ्रोज़न जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग निकाल लेते हैं, अपनी अपनी जो जगह पे वो रखेंगे। यहाँ पर सारा मैंने सामान जो है रिस्टोर कर लिया है, और इधर भी कुछ सामान वगैरह जो है मैंने रख दिया है फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे मैंने सामान सारा और सारा जो है वो रख दिया सारा। जी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली थक चुकी हूँ, और क्या कहते हैं अभी मैं आराम वगैरह करती हूँ, चाय पीऊँगी, आराम करूँगी, और फिर उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी। और ये जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, आज वैसे वीडियो जो मेरी अपलोड होगी ना तो एक पहला रोज़ा होगा, मेरी थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है एडिट की वजह से, तो अभी एडिट करूँगी क्योंकि आज है 2 अप्रैल। जी सेकंड वीडियो जो है लेट अपलोड होगी, इस वजह से अभी मैं आराम करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, चाय पीऊँगी। और आज का बस यही था व्लॉग, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और एक और बात के मुझे तो इजाज़त, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।